एंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसकी हम जानेंगे, इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट कब रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की करेक्ट क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया और आपकी पोस्ट के बारे में सारी जो मेन डिटेल रहती है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पर इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट की, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के वर्कर की, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, जिसमें टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट की एस्पिरेंट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 22 अगस्त है। इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसकी आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि आपको दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम वेस्टर्न रेलवे है। पोस्ट में बता चुका जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वर्कर में इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन की। टोटल वैकेंसी 41 है। स्टार्टिंग डेट 24 जुलाई से, लास्ट डेट 22 अगस्त है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, गवर्नमेंट जॉब है। इसकी वेबसाइट rrcwr.com है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा दूंगा और उसके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके फॉर्म को फिलअप और नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैकेंसी को देखते हैं। वर्कर इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन की 19/12/10 वैकेंसी है। ठीक है, अब हम इसकी जो यहाँ पे बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वर्कर की डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या बीएससी सिविल इंजीनियर, या फिर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। एसोसिएट आपका टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। आपकी एज लिमिट दे सकते हैं 18 से 33 होनी चाहिए, ओबीसी 18 से 36 और यहाँ पे आप जैसे एस सी एस टी 18 से 38 रहेंगे। ठीक है, तो ये थी जो डिटेल। आप हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके नोटिफिकेशन की डिटेल बताता हूँ, जो हम आप मेन और डिटेल जान पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे के हम सर्वे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के ऑफिस के नोटिफिकेशन पर है। ठीक है, वेस्टर्न के जो आप दे सकते हैं, इसके आप मैं बता चुका हूँ कब से कब तक आप आवेदन दे सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcwr.com पे आप जाकर कर सकते हैं, इसकी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इस तरीके से आपको पूरा डिटेल दे रखा है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप दे सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव बी सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स बैचलर डिग्री, जनरल वालों के 60%, ओबीसी के लिए 55%, एसटी वालों के 50% होने जरूरी है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन में इतने मार्क्स होना जरूरी है। एज लिमिट मैं बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग फीस आप दे सकते हैं जो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट मेंशन द सब पैरा, यहाँ पे 500 रुपये फीस रहेगी। फॉर कैंडिडेट एससी एसटी इकोनॉमिक सेक्टर वाले 250 रुपये रहेगी और वुमेन्स के लिए यहाँ पे दे सकते हैं 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, ये थी डिटेल। यहाँ पे आप दे सकते हैं रिफंड फीस, आपको कोई बैंक डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे आपको बताया जाए रिजर्वेशन आप दे सकते हैं, नोट आपको दे सकते, सिलेक्शन क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर्सनल इंटेलिजेंस के होंगे 55 और 30 मार्क्स होंगे और 15 होंगे आपके पर्सनल इंटेलिजेंस के 100 मार्क होंगे। इस तरीके से जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्कर के आप यहाँ पे दे सकते 50, 5, 55 इस तरीके से मार्क रहेंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रहेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पूरा डिटेल दे रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आपको मैं बता चुका हूँ, 50% ओवरऑल परसेंटेज मार्क विल ऑब्टेन डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियर द मार्क विल कैलकुलेट एज द एक्सप्लेन आई अबव, तो आपको जो ऊपर अबव किया गया उसके अनुसार 5 मार्क का वेटेज विल बी गिवन आपके इंजीनियरिंग के हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक या इक्विवेलेंट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हायर एजुकेशन उसके 5 रहेंगे। ठीक, आपके एक्सपीरियंस जूनियर टीए की आपका रहता है तो यहाँ पर आपको उसका भी काउंट किया जाएगा, 30 नंबर रहेंगे और मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का होगा। तो आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस आपको अदर देन रेलवे 20, वर्क एक्सपीरियंस रेलवे आपको 10 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से आपकी ये पूरा डिटेल है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वेटेज एडिशनल है, पर्सनलिटी इंटेलिजेंस के आपके 15 मार्क रहेंगे,
ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं जूनियर टेक्निकल यूजर की इलेक्ट्रिकल सेम वैसे ही है, यहाँ पे आप 50, 5 और 15, 50, 55 ठीक है 30 मार आपके देख सकते हैं एक्सपीरियंस के रहेंगे, तो सेम वैसे ही आपके यहाँ पे रहेंगे जो कि ऊपर मैंने आपको क्लियर करा था, उस तरीके से ही आपका सेम प्रोसीजर चलता हुआ आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, किस तरीके से आवेदन करते हैं उसका मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके किस तरीके से आवेदन करते हैं उसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस आप स्टेट से हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई हैव आधार कार्ड यहाँ पे बताना है, यस आई हैव अप्लाइड आधार कार्ड, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का रोल नंबर नंबर देना है, कैंडिडेट का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फादर या आपका फादर या हस्बैंड नेम देना है, यहाँ पे आपका सर नेम आएगा। ठीक है, इस तरीके से या फादर का नाम आएगा, फिर इंटर या मिडिल नेम या लास्ट नेम। ठीक, यहाँ पे जेंडर बताना है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो बताना है। ठीक है, या माइनॉरिटी है या नहीं ये बताना है। ठीक, रिलीजन बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है वो बताना है, आप इसके बाद फिर आपकी एज है वो यहाँ पे आपको बतानी होगी, इंटर ईमेल आईडी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे एज आएगा ये तो आपका कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे जाएगा इंटर ईमेल आईडी बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है, यहाँ पे आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से है या नहीं बताना है, यस नो करना है, यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है यानी EWS से है या नहीं वो बताना है। ठीक है, इस तरीके से आप करने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, कैटेगरी बी जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है आपके ग्रेडिंग मार्क या मार्क आप कहते तो वो यहाँ पे आपको डिटेल देना है, मार्क टोटल मार्क अपटेंट जो आपके मैक्सिमम मार्क थे वो और यहाँ परसेंटेज करके नेक्स्ट कर देना है, फिर परसेंट इसके बाद आपका यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट आपके उसकी फ्रेंड आप यहाँ पे दे भी सकते हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, उसका तरीका भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लगभग सारी डिटेल बता दी है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।